नमस्कार दोस्तों, जो भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं वो कृपया करके बताएं जिससे कि क्लास हम स्टार्ट करें। और आज की जो क्लास है वो है गांधी जी के ऊपर। अभी तक कोई ऑनलाइन नहीं आया है क्या? 30 सेकंड हो गए हैं दोस्तों। हेलो राशि, किरण, गुड इवनिंग। निशु कुमारी, हेलो। किरण कुशवाहा, हैप्पी गांधी जयंती। ओके हाँ, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी है आज साथ में, दोनों की ही है। हेलो निखिल, सब लोग छुट्टी मना रहे होंगे आज। हेलो नीलम, आप लोग बताइए। पहले मैं क्वेश्चन पूछूं, उससे पहले आप बताइए आपके पास कोई जानकारी हो अलग से। गौतम जी नमस्ते, सौरभ टमटा हेलो। आज तो दिल्ली में किसान वर्सेस जवान। हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टुडे। ओके, आप लोगों की तैयारी कैसी है पहले ये बताइए। कल मैंने कहा था गांधी जी के बारे में पढ़ के आना। शैलेश जी नमस्ते, तो आप लोग पढ़कर आए हैं गांधी जी के बारे में? पढ़ाई की आपने, थोड़ा उन्हें पढ़ा? हेलो उज्ज्वला, नीलम, हाँ पढ़े हैं सर। हाँ जी राशि, पढ़े हैं। ओके, आप सभी लोग पढ़कर आए हैं। अनंत कुमार हेलो सर, आज तो अहिंसा की जगह हिंसा हो गई, शेम ऑन दिस गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, अब मुद्दा बढ़ जाता है फिर, है ना, इस तरीके से। ओके गौतम जी और आनंद कुमार आ गए हैं, दो चार और लोग आ जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप बताइए दोस्तों, गांधी जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा क्या मिलती है आप लोग? हेलो पुष्पेंद्र, आप अपना पर्सनल व्यू दीजिए, किताब का नहीं। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा, सब पढ़े हैं, तो आप लोगों को पर्सनली क्या लगता है? अहिंसा, नीलम शर्मा जी, हाँ पढ़ लिए हैं। अरुण पांडे, नो बैटरी इन माई फोन। अरुण जी बैटरी नहीं है फोन में यार, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्मा, अरुण पांडे जी का कहना है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। शुभदीप घोष, जय हिंद। उज्ज्वला जी, बफरिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सौरभ टमटा जी का कहना है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए आप वही चीज बताइए जो अपनी लाइफ में अनुसरण करते हो, जिसका लाइट नहीं आ रही है। ओके अरुण जी, पावर बैंक अगर हो तो आप लगा लीजिए, यही मेरी तरफ से राय है। यहां से तो मैं चार्ज नहीं कर पाऊंगा। ऐसी चीज बताइए जो आप अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हो गांधी जी से रिलेटेड, ऐसी कोई चीज है? ऐसी कोई चीज है दोस्तों जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक ऐसा मुकाम ताकि देश की सेवा करें। ओके पंचुअलिटी, नीलम शर्मा जी का कहना है पंचुअलिटी सीखी है आपने। ओके सर, आज नाथूराम गोडसे के बारे में भी थोड़ा बताना। पेशेंस, धैर्य। किरण कुशवाहा जी बहुत अच्छा कहा, क्योंकि देखिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें गांधी जी से कुछ सीखना चाहिए तो धैर्य बहुत ही अच्छी चीज होगी, खासकर जब हम तैयारी कर रहे हो। नखरे दिखाने गांधी की तरह, तुम मेरी बात मानो या मैं एहसान लड़ूंगा। हेलो मृगांक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, अगर किसी का रह गया हो तो बता दें। गोडसे ने महात्मा जी को मारा 30 जनवरी 1948। अभी तो पहले पैदा तो कर लें, अभी तो हमने जयंती, आज तो जयंती है ना। शुभदीप घोष, बफरिंग हो रही है। देखिए बफरिंग पर्टिकुलर आपके में हो रही है तो फिर आप अपना कनेक्शन चेक कर लें, ठीक है। बाकी तो अभी कोई नहीं बोल रहा है बफरिंग के लिए।
क्या कहीं और भी बफरिंग हो रही है किसी और में? पेशेंस ही स्टूडेंट के लिए, हाँ पेशेंस ही है। ठीक है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग, हाँ पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो रही। ओके अरुण जी ठीक है, आपकी बैटरी चली जाएगी, आप इसे रिपीट करके देख लेना। ठीक है यही कह सकता हूँ मैं, वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा, जब चार्ज हो जाए तब आप देख लेना। ओके बफरिंग नहीं हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राई डे। ओके हाँ आज मदिरा की जो दुकानें हैं अल्कोहल की वो बंद रहती हैं। चलिए नो बफरिंग, अब स्टार्ट करते हैं। 15 लोग जुड़ गए हैं और मुझे लगता है अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे, बाकी लोग भी धीरे धीरे करके जुड़ जाएंगे। ठीक है स्टार्ट करते हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कोई भी गूगल ना करे। ठीक है जो तैयारी है उसी के अनुसार आंसर देना। हाँ शैलेश जी स्टार्ट कर रहे हैं, गूगल नहीं करना है आपको, जो तैयारी है उसी के अनुसार आंसर देना, और अगर नहीं आता है तो आप एन लिख दें। ठीक है अगर नहीं आता है जल्दी से जल्दी आंसर दें, ठीक है मना करने में देर ना लगाएं। अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सुनिए, गांधी जी के कितने बेटे थे? गांधी जी के कितने बेटे थे? आप सभी लोगों से आंसर है और बोलिए जल्दी बताएं दोस्तों, गांधी जी के कितने बेटे थे? प्रकाश, प्रकाश द्विवेदी का आंसर आ गया है। मृगांक, नीलम शर्मा जी 24, क्या क्या बोल रही हैं आप ये? अरविंद कुमार 4, किरण 4। प्रोटोकॉल ऑफिसर का रिजल्ट कब आएगा? लक्ष्मण जी जल्दी आएगा। ओके नो सर 4 थे। अच्छा आपने जमना लाल बजाज को गॉड गोद लिए थे। ओके दो एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा टाइप हो गया, कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र जी 6 कह रहे हैं, चलिए ठीक है 4 बेटे थे उनके, नाम बताइए। केबीसी में नाम ही पूछा गया था, उनका नाम बताइए, उनके बेटे का नाम, नाम बताएंगे, बेटे का नाम बताइए दोस्तों, जो गांधी जी के बेटे थे 4, उन 4 बेटों का नाम बताएं। पुत्री तो नहीं थी यहाँ तक, है किरण जी नाम नहीं याद। नीलम शर्मा जी ने लिखा है हरिलाल, देवदास, मनीलाल और रामदास। अगर आपने संजय दत्त की मूवी देखी होगी तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी। ओके हरिलाल मनीलाल, सौरभ टमटा जी ने भी बताया है, 4 नाम हो गए और 4 नाम इस प्रकार है हरिलाल, मनीलाल, रामलाल और देवदास। ठीक है तो क्वेश्चन तो ये रहा, अब मुझे ये बताइए एक इनका ऐसा बेटा था जिससे वो परेशान रहते थे, उस बेटे का नाम बताइए, किस बेटे से वो परेशान रहते थे अपने? हाँ पुष्पेंद्र जी आपका हो गया, आपने आंसर दे दिया हरिलाल, देवदास, मनीलाल, रामदास। किस बेटे से सबसे ज्यादा परेशान रहते थे वो, दुखी कर रखा था जिसने? ओके गुड इवनिंग नेहा, जल्दी से क्विज में आइए। गांधी जी के ऐसे बेटे का नाम बताना है जिससे वो परेशान रहते थे। हाँ बिल्कुल किरण, उज्ज्वला, मृगांक, बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर दिया करें, भले ही नहीं पता है एन लिखो, है ना? रामदास नहीं, मनीलाल नहीं, नीलम जी मैं बता देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, नाम ध्यान रखना हरिलाल, हरिलाल से जो है वो परेशान रहते थे अपने बेटे से। इस पे मूवी बनी है, एक अक्षय खन्ना की मूवी है जिसमें वो काफ़ी ड्रिंक करते हैं अरविंद कुमार जी। ठीक है तो ये ध्यान रखें आप। अब ये बताइए, द नेटवर्क इज पुअर। ओके हरिलाल, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की जब शादी हुई थी तब वो कितने साल के थे? बहुत एल्कोहलिक था वो पर्सन, गौतम जी एल्कोहलिक। 12, मृगांक जी का कहना है 12, 13, 8, अरुण पांडे जी 8 साल बता रहे हैं, नहीं 13, बहुत अच्छे पुष्पेंद्र जी सब पढ़ के आए हैं।
13 साल, 13 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड के थे जब गांधी जी का शादी हुई थी। ठीक है, ओके। थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तैयार रहना। ठीक है, हेलो महिपाल जी, जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप लेट हो गए थोड़ा सा गांधी जयंती पे। अगला क्वेश्चन है, वकालत पढ़ने के लिए गांधी जी कब इंग्लैंड गए थे? ईयर बताना है आपको जाने का। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे तो कब गए थे? जल्दी आंसर दें दोस्तों। 1915, अफ्रीका गए थे ना सर? गौतम जी अफ्रीका नहीं गए थे, अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए, मैं कह रहा हूं वकालत पढ़ने के लिए। वकालत दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका तो केस लड़ने गए थे, पढ़ाई करने नहीं गए थे। 1888 प्रकाश द्विवेदी, और 1813 अरविंद लंदन गए थे। हाँ नेहा जी लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे 1881, ओके। देखिए 1813 नहीं, प्रकाश द्विवेदी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 1888 कांग्रेस की स्थापना से 3 साल बाद, यानी कि 1888 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लैप कर दीजिए उनके लिए, क्लैप कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं ने ही आंसर दिया है बिल्कुल सही, प्रकाश द्विवेदी जी ने 1888। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी है। अच्छा, एक एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट की थी गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में थे, एक एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट की थी जिसका नाम था भारतीय एम्बुलेंस सेवा। भारतीय एम्बुलेंस सेवा वो किस विद्रोह के दौरान की गई थी, कौन सा विद्रोह हुआ था जब गांधी जी ने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी? बताएगा कोई? जिसे नहीं पता है वो एन लिख दे। हाँ गौतम जी शाबाश, बहुत अच्छे। नहीं पता है तो एन लिखो, जल्दी लिखो मगर, है ना। उज्ज्वला जी, महिपाल जी बहुत अच्छे, आशीष भट्ट, राशि, एन, बाप रे बहुत हार्ड है क्वेश्चन, पूरा हार्ड क्वेश्चन। अच्छा चलिए मैं मिक्स रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंग्लो बोर, बोर, हाँ बहुत अच्छे, बोअर जिसे बोलते हैं, बोअर वोर, ठीक है, बोअर युग का युद्ध, उसके दौरान जो है भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की गई थी। ठीक है, अभी ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़े क्वेश्चन में चलिए थोड़े से आसान करता हूँ। ठीक है, चलिए गांधी जी की हत्या पे आते हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो वो जिस घर के अंदर रहते थे उस घर का नाम बताइए, बेटर उस घर का नाम बताएं जिस घर के अंदर लोग रहते थे, गांधी जी रहते थे। बोलिए जल्दी, नहीं पता है तो एन करिए मगर लिखिए तो सही। चलिए आपको नहीं पता है तो जानने को मिल रहा है, आप नोट कर लीजिए उसे कागज पर, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपसे। असम, साबरमती आश्रम, ओके। नहीं पता, चक्कर आ रहा है सर इतने हार्ड क्वेश्चन देखकर, कैसी बातें कर रहे हैं यार गौतम जी। साबरमती, इसलिए सोच रहे होंगे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नहीं, राशि तालियान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर जवाब दिया, तालियां हो जाए राशि जी के लिए, चक्कर भी आ रहे थे ये क्वेश्चन सुन के लोगों के। बिरला हाउस, बिरला हाउस, ठीक है, बिरला हाउस इसका बिल्कुल सही आंसर है, कुछ सारी जी की याद है। महिपाल जी नहीं, सारी तो किसी को याद नहीं होती, सारी किसी को याद नहीं होती दोस्त,
यहां पर हम बस डिस्कस कर रहे हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है, आप नोट कर लीजिए उसे। चलिए आसान क्वेश्चन लेते हैं आप। महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? बोलिए, ये क्वेश्चन कोई गलत मत करना। महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? सरी का मतलब जो एग्जाम में आती टैगोर, राशि जी, सुभाष चंद्र बोस, क्या बात है, आंसर आना स्टार्ट हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो आसान है ना, ये तो आसान है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, पुष्पेंद्र रविंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। अरुण पांडे जी, आपने ये दूसरा आंसर दिया है, पहले आपने कहा था सुभाष चंद्र बोस। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर, सबके आंसर आ गए। हाँ, बहुत अच्छे, अरुण पांडे जी ने अपना क्वेश्चन ठीक किया और ये भी बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहा था। अच्छा ये बताइए, उस समय सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर थे? चलिए, उस समय सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर थे जब उन्होंने ये राष्ट्रपिता कहा था? भारत में थे या भारत से कहीं बाहर थे? हाँ, राष्ट्रपिता, ठीक है, बोलिए। सिंगापुर, जर्मनी, सिंगापुर, सिंगापुर, बाहर। अरुण पांडे जी का बहुत अच्छा आंसर आया, बाहर थे, सिंग शायद जर्मनी। हाँ दोस्तों, शायद उस समय जर्मनी में ही थे जब वो हिटलर से मिले थे, उस समय की ही बात है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अभी मैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बीच बीच में लूंगा, ठीक है। आशीष भट्ट का कहना है अपने घर में, अपने घर में नहीं थे, अपना घर तो क्या, देश छोड़कर गए हुए थे बाहर। अब ये बताइए, गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो पहले तो बताइए कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। और फिर उसका आगे का क्वेश्चन ये है कि कौन से जहाज से गए थे, उस जहाज का नाम बताइए जिस जहाज से वो गए थे, सरकारी खर्चे पर गए थे वो। सेकंड गोलमेज सम्मेलन, बहुत अच्छे, सबके आंसर आ गए। अमृता गुप्ता जी का कहना है एयर इंडिया से, एयर इंडिया थी उस समय। अमृता जी, उस जहाज का नाम बताना है, पानी का जहाज चल रहे थे उस समय पर। आंसर दीजिए, जिसे नहीं पता सेकंड वाला वो एंड लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, SS राजपुताना, राजपुताना, आशीष भट्ट का आंसर आ गया है। कमाता गारू नहीं है, सौरभ टमटा जी नहीं, नाम ध्यान रखिए, राजपुताना, ये तो कई बार पूछा गया SSC के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन, राजपुताना, SS राजपुताना, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, है ना। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी की बायोग्राफी का नाम बताइए, किताब का नाम, जो बायोग्राफी है गांधी जी की, उस किताब का नाम क्या है? गांधी जी ने कई किताबें लिखी हैं, तो जिसमें उनकी जीवनी है, बायोग्राफी है, उसका नाम बताएं। ओके, अरुण, आशीष, शैलेंद्र, गौतम, बाकी लोग कहाँ हैं भाई, आंसर दो। राशि, एक्सपेरिमेंट, सत्य का साथ, मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सच्चे प्रयोग। ओके, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छे, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ किरण कुशवा, बिल्कुल सही, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। किस भाषा में है ये, भाषा बताएंगे इसकी?
लैंग्वेज जो लिखी गई थी वो किसमें थी? कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। किरण गुजराती, राशि गुजराती, इंग्लिश गुजराती, नीलम जी का कहना है इंग्लिश। बाकी लोग, चलो लगभग लगभग सबके आंसर आ ही गए हैं। दोस्तों इसका आंसर है गुजराती। एक बार आप चेक करना फिर से, ठीक है? ठीक से इस बार को चेक करना, गुजराती में है। बाद में ट्रांसलेशन इसका कई लैंग्वेजों में हुआ है, तो इस चीज़ को आप चेक करें। अगला अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। ऑपरेशन जीरो आर, ऑपरेशन जीरो आर किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन जीरो आर बोलिए। अरे नहीं भाई, गांधी जी से रिलेटेड ही है, मगर क्या मामला था? नहीं पार्लियामेंट वगैरह नहीं, आज गांधी जी पे ही बने रहेंगे हम, ठीक है? कहीं नहीं जाना है। ऑपरेशन जीरो आर गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में। गांधी जी के संदर्भ में पूछा है। क्विट इंडिया मूवमेंट, नीलम शर्मा बहुत अच्छे हैं, मगर क्या क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्या, ये बताइए। आपने 50% क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, बाकी लोग बोले भाई। पुष्पेंद्र जी नहीं पता, कोई बात नहीं। गौतम, बाकी लोग आंसर दें या फिर एन लिखें ताकि मैं बता पाऊं। पोस्ट डेटेड चेक, नहीं भाई वो नहीं, ऑपरेशन जीरो आर है। तो कहा जी नहीं पता, ओके। इशू नहीं पता, इशू ऑपरेशन थंडरबोल्ट या अगस्त क्रांति, नहीं। माइट बी भारत छोड़ो, अमृता एन। सुनिए, डोमिनियन स्टेट नहीं। अब सुनिए, अब ये है, देखिए ऑपरेशन जीरो आर ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एक अभियान चलाया गया था कि गांधी जी और साथ में बाकी जो नेता हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालो। तो उस ऑपरेशन का नाम ब्रिटिश सरकार ने दिया था ऑपरेशन जीरो आर। समझ गए? समझ गए तो सब वाई टाइप कर दो। समझ गए हैं तो वाई टाइप कर दो। गांधी जी और उनके बाकी जो साथी थे उन सबको गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। समझ गए सब लोग हैं? ओके बहुत अच्छे। हाँ बस छोटा सा लिखना होता है भाई, और जब नहीं आता है तो एन लिखो, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? नहीं शास्त्री जी को नहीं भूले हैं भाई, सब हैं। बोलिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, डिफरेंस है सत्याग्रह और पर्सनल, इसमें पर्सनल सत्याग्रह है। और बाकी लोग आंसर आप दे रहे हैं। किरण नहीं पता, कोई बात नहीं। गौतम, नीलम, चंपारण, नहीं उज्ज्वला चंपारण वाली नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं था। ओके कोई बात नहीं। आंसर दिया है दो लोगों ने, नीलम और गौतम। ओके नीलम और गौतम, इन दोनों का आंसर है। अमृता ने भी आंसर दे दिया, 1940, 1940, ठीक है 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहला सत्याग्रह ही कौन था? अमृता जी ने बता दिया, विनोबा भावे, है ना? और सौरभ टमटा जी ने भी बताया था, विनोदा भावे, विनोबा भावे। अब सेकंड बताइए, द्वितीय सत्याग्रही कौन था? द्वितीय सेकंड सत्याग्रही सेकंड बताना है दोस्तों। पहले तो हो गए विनोबा भावे,
दूसरे नेता जी, दैट शुड बी द भूदान आंदोलन। ओके नेताजी, कौन से नेताजी भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल? नहीं दोस्तों, इसका आंसर भी दिया है किसने, अभी बता देता हूं मैं। कम लोगों ने आंसर दिया है इसका भी, जवाहरलाल नेहरू, अमृता अमृता गुप्ता ने सही दिया है आंसर। सौरभ टमटा। ओके तो पहले सत्याग्रही हो गए विनोबा भावे जी, और दूसरे हो गए हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। अगला क्वेश्चन सुनिए, पूना पैक्ट बताइए। पहले आसान क्वेश्चन, पहले आसान क्वेश्चन हो गया, बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था? फिर से थोड़ा सा टफ बनाता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देंगे। बोलिए दोस्तों, पूना पैक्ट 1927। 27 कौन आंसर दे रहा भाई? प्रकाश जी, 27 कहाँ से हो सकता है यार? पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932। बहुत अच्छे, सबका बिल्कुल सही आंसर आया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिटिल वेट हार्ड कर देते हैं। गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, किरण जी बहुत अच्छे। गांधी जी उस समय जेल में थे, वो जेल का नाम बताइए, कौन सी जेल थी वो, जिस जेल के अंदर थे गांधी जी उस समय जेल में थे, वो कौन सी जेल थी? जेल का नाम बताइए दोस्तों। ओके तिहाड़ जेल, किरण जी ने कहा है तिहाड़। उज्ज्वला अरुण पांडे, सौरभ। ओके यरवादा, यरवादा जेल पुणे। ओके बहुत अच्छे, तिहाड़ नहीं है जी, यरवादा है ना। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी देखें पहले टाइम क्या हुआ है, 27 मिनट हुए हैं। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आप लोग जल्दी आंसर करिएगा। ठीक है, जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें मुद्दा क्या था? चंपारण, चंपारण आंदोलन क्या मुद्दा था? हेलो अभिलाषा जी, बहुत लेट आए हैं भाई आप तो, यार क्लास समाप्ति की ओर है। इंडिगो, नील सत्याग्रह, किसान से रिलेटेड, नील की खेती। अरुण जी ने कहा नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन, तीन कठिया सिस्टम। ओके नील एग्रीकल्चर, बहुत अच्छे। तो कितने हिस्से पे नील उगानी होती थी, कितने हिस्से पर नील उगानी होती थी ये बताइए। नील की खेती बहुत अच्छे, तीन कठिया सिस्टम भी अच्छा है। अब बोलिए आप कि कितने पर उगानी पड़ती थी नील? 1/3, 1/3। किरण, अमृता, बाकी लोगों के आंसर आ गए हैं, 15%। ओके सौरभ टुंडा जी ने 15% बोला है, 2/3 आंसर आया है अरुण पांडे जी का। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। जीत सिंह पहला आंसर आया, आप लेट आए यार आज, क्या हुआ? गांधी जयंती मना रहे थे क्या? हम लोग यहाँ मना रहे हैं। अभिलाषा वर्मा, बहुत अच्छे भाई, दो लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया, सौरभ टमटा और अभिलाषा वर्मा, तालियां हो जाए भाई इनके लिए। अगर आपको सही बटे में लिखना है तो 3/20, अदरवाइज 15%, 15% या फिर 3/20। ठीक है, तो 3 कठिया देखने में सुनने में लग रहा है 1/3, और हो सकता है आप आंसर में लगा भी दें, जबकि इसका सही है 3/20। ठीक है, या फिर 15% का है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, नमक सत्याग्रह हुआ था। संजू बाबा, हेलो संजू बाबा, लेट हो गए आप। क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह है ना, उसमें दांडी मार्च निकाली गई थी, कितने अनुयायी थे शुरुआत में, जब स्टार्ट की गई थी तो कितने लोग थे? 1930। बहुत अच्छे, दांडी। हाँ, कितने लोग थे? अभी गौतम का आंसर आया है 1930, 8 लोग। रोहित जी कह रहे हैं 8। 45, 78, 78। राशि जी का कह रहा है 78। अमृता, संजू बाबा ने 78। बहुत अच्छे, 78 ही इसका सही आंसर है दोस्तों। 78 अनुयायी थे जिनके साथ जो है ये यात्रा निकाली गई थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस यात्रा की तुलना किसी यात्रा से की गई है, बताइए कौन सी यात्रा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी तुलना की गई थी किसकी यात्रा से की गई थी? अभिलाषा मृगांक, नीलम शर्मा, सौरभ, सबके आंसर आ गए। फौजी अर्शाद, आप लोग कई लोग हैं लेट आते हैं क्लास में, प्लीज़ टाइम से आया करें। और अगर आपको टाइम में थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए तो बताइए मुझे। अगर आपको नहीं आता ये वाला क्वेश्चन तो एन लिखिए। किस यात्रा से तुलना की थी? राम जी की लंका ले जाने से। नहीं भाई, संजीव बाबा नहीं जानते, कोई नहीं, लेट हो गए। 380 किलोमीटर सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह तो हो गया, मगर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक ओके एल्बा। अरुण पांडे जी कुछ आंसर के आस पास पहुंच गए हैं। अभिलाषा वर्मा जी, एक मार्च निकली थी जो नेपोलियन ने निकाली थी, नेपोलियन, पेरिस मार्च, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने उससे तुलना की थी इसकी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीएससी लेवल का है। अरे नहीं भाई, आज गांधी जी को थोड़ा सा जान रहे हैं है ना, तो लेवल कुछ नहीं है, बस आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी भारत कब आए थे लौट के? ये तो सरल हो गया, रेलवे लेवल का क्वेश्चन हो गया, 10+2 लेवल का हो गया। गांधी जी भारत लौट के कब आए थे? किरण जी क्या हुआ भाई? हाँ, हम प्रवासी दिवस ही मनाते हैं ना, क्वेश्चन मिक्स किए जाएंगे हार्ड और उन्नीस सौ पंद्रह। बहुत अच्छे, 9 जनवरी, क्या बात है। अब ये बताइए, 9 जनवरी 1915 एनआरआई प्रवासी दिवस ही मनाते हैं, सेलिब्रेटेड है ना। सौरभ, राशि, किरण, अभिलाषा सब लोग आंसर दे रहे हैं। आयुष पटेल, उज्ज्वला, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो कितने साल का प्रवास काट के आए थे, कोई बता पाएगा? कितने साल रहे थे, कितने साल का प्रवास था ये, प्रवासी दिवस? मृगांक राय का आंसर आ गया। हाँ मृगांक जी, आपका आंसर आ गया, एक बार दें, बार बार नहीं, बाकी लोग भी तो आंसर दो भाई। किरण, गौतम, महिपाल जी नहीं पता, 22, 21, आशीष भट्ट 21, 22, कुछ पुष्पेन जी का भी 21 आया है। के बीच क्या मतलब? संजू बाबा 21, अभिलाषा जी नहीं पता, कोई बात नहीं दोस्तों, 21, 21 इसका बिल्कुल सही है आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 21 साल। ईशु बघेल, क्वेश्चन नहीं समझ पाए, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को किस मामले में, आप सुनिए, किस मामले में गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह, गांधी जी पर किस मामले में राजद्रोह का मामला चलाया गया था, बोलिए, मुकदमा चलाया गया था। जिसे नहीं पता है एन लिख दो। किरण जी बहुत अच्छे, गौतम जी वेरी गुड, कम से कम आंसर, हाँ बता दो।
ईशु बघेल जी, नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पता। ओके चलिए, गांधी जयंती मना रहे हैं हम लोग इसी तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ, चोरा चोरी कांड हुआ था, आपको पता होगा, जब आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, फिर हुआ चोरा चोरी कांड, और उसके बाद जो है, हाँ अभिलाषा जी बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सर्च कर रहे होंगे, नहीं गूगल नहीं करना है, और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग ईमानदारी से आंसर देते हैं और अपनी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी यूं ही बनाए रखें, ठीक है। तो मुद्दा ये था कि जब असहयोग आंदोलन फेल हो गया, चोरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद गांधी जी पर केस चलाया गया, वो था राजद्रोह का, तो ये चोरा चोरी कांड के वजह से ही चला, क्योंकि उसकी वजह से थाने में आग लगा दी गई थी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, है ना, और 6 साल की सजा हुई थी इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबके, इजी क्वेश्चन में जल्दी जवाब मिल जाता है और हार्ड वाले में नहीं। हाँ इजी वाला तो सबको याद ही रहता है गौतम जी, क्या करें। अच्छा आप एक क्वेश्चन सुनिए, आसानी आसान क्वेश्चन सुनिए, गांधी जी का एक वर्ष राजनीतिक मौन, यानी कि अगर आप उसे साइलेंस कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइलेंस, वो कौन सा ईयर था? ओके जल्दी बोलिए। 1932, 1932 तो हो ही नहीं सकता अमृता जी, क्योंकि उसमें तो एक तरीके से वो जो पूना पैक्ट साइन हुआ था वो तो पॉलिटिकल ही था। 1929 नहीं, 37 दुबे जी नहीं, क्रिकेट लाइव भी है हमारे साथ। 1916 नहीं, चलिए मैं बताता हूँ, आने के बाद 1924-25, वेरी गुड अभिलाषा, इसका सही है 1925, 1925, ठीक है। ओके 1925 मैं देखा था, भगत सिंह याद नहीं आ रहा, ओके याद नहीं आ रहा। अच्छा एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन किया है, देखिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। राशि जी ने कहा है कि सर अगर आपने गांधी जी के बारे में ज़्यादा पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि भगत सिंह की फांसी होने से बचा सकते थे या नहीं, इस पे डिस्कस करूँ मैं? आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं वाई लिख दो, तो मैं थोड़ा सा इस पे अपने व्यू प्रकट कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे बात की जाए तो आप वाई लिख दें, सब लोग जो लोग चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना प्रकाश डालता हूँ। नहीं करो, ओके देखिए हुआ क्या था, जब इरविन समझौता हुआ था, हाँ अब थोड़ा सा जो मेरी जानकारी में है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके अंदर अंग्रेजी सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव था, अंग्रेजी सरकार के ऊपर ये दबाव था गांधी जी की तरफ से, जब ये नमक सत्याग्रह हुआ था, सारे अंग्रेज ये चाहते थे कि कांग्रेसी लोग गोलमेज सम्मेलन में जाएं, गोलमेज सम्मेलन को ज्वाइन करें, मगर कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था, ठीक है। तो अंग्रेजों की तरफ से, मतलब ये कह सकते हैं कि अंग्रेज लोग जो थे वो चाहते थे कि कोई ना कोई जाए जरूर, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ, तो वो ये चाह रहे थे बाकी लोग जो भगत सिंह के सहयोगी थे, कि जो इरविन समझौता है जिसमें कि ये कंडीशन डली हुई है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है, तो गांधी जी अपनी तरफ से ये कंडीशन भी डाल दें कि वो गांधी जी की जो भगत सिंह की जो फांसी है उसे भी रोक दी जाए, ठीक है। मगर कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद थे, और इस तरीके का डिसीजन जो है, क्योंकि देखिए गांधी भगत सिंह के खिलाफ जो मुखबरी की थी वो उन्हीं के साथ के लोगों ने कर दी थी, और ये कहा था कि हाँ भगत सिंह जो है वो फंसे हुए हैं इस केस में, ठीक है। तो ऐसे में बचा पाना थोड़ा मुश्किल था। अभिलाषा जी नहीं बचा सकते थे क्योंकि वो नॉन वायलेंस की वजह से फोकस कर रहे थे। हाँ इरविन पैक्ट यही था, नॉन वायलेंस, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग अपना पढ़ सकते हैं जहाँ से भी आपको मिले। अब हम क्लास पे लौट आते हैं।
ठीक है। अच्छा आपको पता होगा गांधी जी को एक किताब मिला था जिसका नाम था केसरे हिंद। गांधी जी को एक किताब मिला था केसरे हिंद, वो किस लिए मिला था? देखिए ये सब पॉलिटिकल कंडीशन होती हैं, हम लोग नहीं बता सकते कि क्या सही था या क्या गलत था। हम अभी बैठे हुए हैं, बिना बताए एक दिन पहले फांसी दे दी। अब बोलिए, गांधी जी को एक अवार्ड मिला था अंग्रेजों की तरफ से जिसका नाम था केसरे हिंद, वो क्यों दिया गया था? नॉन वायलेंस? नहीं, नॉन वायलेंस के लिए तो नहीं, चंपारण तो नहीं, नॉन वायलेंस में तो वैसे ही परेशान थे अंग्रेज। साउथ अफ्रीका में अच्छा काम किए के लिए? नहीं। बोलिए जल्द जल्दी आंसर दें दोस्तों। साउथ अफ्रीका में अश गौतम। चलिए मैं बताता हूँ, नहीं पता ना? देखिए इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल स्थापित किए थे, इंग्लैंड के अंदर। अभिलाषा वर्मा जी उस समय पाकिस्तान नहीं था भाई, जो केसरे हिंद है वो अंग्रेजी सरकार ने दिया था, पाकिस्तान कहां से आ गया उस समय? ठीक है, तो इंग्लैंड के अंदर एक भारतीय अस्पताल स्थापित करने में जो है महात्मा गांधी जी का भी रोल था, तो उन्हें जो है केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और आपको याद होगा कि जो केसरे हिंद की उपाधि थी वो लौटा दी थी गांधी जी ने, किसके विरोध में लौटा दी थी ये? किस इंसिडेंट के विरोध में गांधी जी ने अपनी उपाधि केसरे हिंद की लौटा दी थी अंग्रेजी सरकार को? जल्दी बोलिए। ओके जलियांवाला अरुण पांडे हंट, बाकी लोग आ गए। जलियांवाला बाग है ना, जलियांवाला बाग था असहयोग आंदोलन के कारण। नहीं, जलियांवाला बाग में जितना नरसंहार हुआ, जितनी लोगों की हत्या हुई, जितनी जान गई है ना, इसके लिए इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी जो अंग्रेजी सरकार ने ही दी थी, केसरे हिंद की। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ भी रहे और आसान भी थे कुछ, है ना दोस्तों? चलिए 42 मिनट हो गए हैं, अब हम विदा लेते हैं। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी, बहुत अच्छे, अमृता गुप्ता जी ने बताया है। चलिए विदा लेते हैं दोस्तों, 44 मिनट हो गए। हाँ चलें, अब आप लोगों को फिर से गांधी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, और हम लोगों ने गांधी जी के बारे में जानने का काफ़ी प्रयास किया। आप चाहें तो अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हों तो आप जो है दोबारा से इसे देख सकते हैं। ठीक है, मेरी स्पीड 61 पर मिनट है, क्रिकेट लाइव। किरण जी, लाल बहादुर शास्त्री जी पे तो क्वेश्चन नहीं हो पाए यार, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ हो सकता है आपका क्रिकेट लाइव, आपका हो सकता है, अगर आपकी 60 वर्ड पर मिनट स्पीड है। महिपाल जी, हिंदी टाइपिंग नहीं जानता हूँ, मुझे राज्यसभा की हिंदी टाइपिंग में। देखिए महिपाल जी, अब इतना समय नहीं है कि हिंदी की सीख पाए। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश वाले में सिलेक्शन हुआ है तो इंग्लिश वाले पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, हिंदी वाले पे रहने दें आप। हाँ इंग्लिश में आपकी 52 है ना, तो कोशिश कीजिए 60 पार कर जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोटोकॉल ऑफिसर का रिजल्ट अब कल देखिए, कल आने की चांस है। देखिए अभी हुआ यह था कि इसकी वैकेंसी में कुछ रिवीजन हुआ था प्रोटोकॉल में, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये चेंज डिले हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप में। अरे हाँ अरुण जी, टेलीग्राम ग्रुप में अभी कर देता हूँ मैं, दोबारा से कर देता हूँ मैं, अभी नहीं किया है, सही कहा आपने। कोई जवान, और उसके अलावा सर बोलते हैं शास्त्री जी के जी, सही आदर्श शास्त्री। ओके थैंक यू महिपाल जी, एक वैकेंसी बढ़ी है हाँ ओपन की। गुड नाइट, गुड नाइट। कंफर्म सिलेक्शन के लिए सर कितनी स्पीड चाहिए आपको? 60 तो चाहिए भाई, कंफर्म सिलेक्शन के लिए 60, टोटल 21 हो गई हैं। हाँ अरुण पांडे जी, ठीक है चलिए विदा लेते हैं हम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।